बेगूसराय में घर में सोए अवस्था में पति पत्नी और दो बच्चों को बदमाशों ने चाकू से गला रेत दिया और एसिड डाल दी। इस घटना में पति पत्नी और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पूरी घटना बचवारा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मचा हुआ है। काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे हैं। घटना की सूचना पर बचवारा थाना पुलिस में मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल मौके पर कर रही है। हालांकि घटना को किस वजह से अंजाम दिया गया है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बचवारा थाना क्षेत्र के रसीदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में शनिवार की सुबह पति पत्नी पुत्र व पुत्री के धारदार हथियार से काट देने का मामला सामने आया है। इस घटना में नागो महतो के करीब 40 वर्षीय पुत्र संजीवनी महतो, उनकी पत्नी संजीता देवी एवं 10 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी की मौत घटनास्थल पर हो गई। इस घटना में गंभीर रूप से 7 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कैसे हुई है यह घटना, काफी कोई जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा। जो भी हुआ है बहुत ही दुखद और विभत्स घटना है। यह हम लोगों का जानकारी में लगभग 50-60 साल के इतिहास में, उससे पहले भी कोई लोग बताते हैं, इस ढंग का घटना इस गांव में नहीं हुआ, आसपास भी नहीं हुआ। एक ही परिवार का पति पत्नी और उनके बच्चे सहित साफ कर दिया जाता है, जबकि कहीं कोई, यह लड़का जो संजीवन कुमार है, वह कहीं से मजदूरी करता है, कमाता खमाता, किसी गलत या संगत नहीं है इसका, न बुरा व्यसन है, कमाने खाने वाला लड़का है, और ऐसे ऐसे लोग के साथ में उसके परिवार और नवजात बच्चा जो है, एक बच्चा 8 साल लड़की है जिसका नाम सपना कुमारी है और 6 साल का पता चला जांच किए तो देखिए 3 लोग की डेड बॉडीज हैं जिनकी हत्या हुई है और उनका एक छोटा बेटा है अराउंड 6-7 साल का जो कि अभी इलाज अंतर्गत है सदर अस्पताल में। संजीवन सिंह है मृतक का नाम, उनकी वाइफ है संगीता और जो बेटी है सपना है। इनकी एज होगी अराउंड 40 इयर्स 30-35 इयर्स और करीब 10 साल की बच्ची होगी, 10-12 साल की। अपने घर में ही मृत अवस्था में पाया गया है। लोगों का बताना है कल देर रात तक गोसाई जी की पूजा थी, उसके बाद में हम लोग का मानना है घटना हुई है। FSL की टीम ऑन द वे, हमारे FSL एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर बुलाया जा रहा है एंड सभी वैज्ञानिक बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाएगा, विधिवत भेजा जाएगा और सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे अभी छानबीन चल रहे हैं, हमारी तफ्तीश जारी है। प्रथम दृष्टि हत्या का कारण क्या लग रहा है? जैसा मैंने कहा, अभी तफ्तीश जारी है, जो परिजन लोग भी हैं और जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एक बार उनसे हम लोग पूरी डिटेल यहाँ पे बात कर लें, फिर हम आपको अपडेट करें। किस तरह से हत्या की गई है? प्रथम दृष्टि प्रतीत होता है कि किसी नुकीले पदार्थ से उनके तीनों के सर पर सोई अवस्था में वार किया गया, जिससे डेथ होने की बात सामने आ रही है। बाकी चीजें हम लोग मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद एसिड भी डालने की बात कही जा रही है। ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, बट देन अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पार्ट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। घटनास्थल से सर किसी भी संदिग्ध चीज की बरामदगी भी हुई है? डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, हम लोग जब्ती सूची बना रहे हैं। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।